its morning routine as a village girl. Suddenly, dard bhare periods cramps feel na. Chakudi chaachi na chakudi chappal se chaachu ko chappal chakai. Na jaane kya kya problem ho jati hai. Jab se main use kar rahi hu na, I am very happy and satisfied. पिटाई होगी टकली भैया की। सुबह के बजे 7 और मेरी हुई गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे से नए घर में, लेकिन आप मम्मी के वही पुराने सड़ेले तानों के साथ, क्योंकि आज उठने में लेट जो हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी भारती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन गर्ल भारती। सो उठने के बाद सबसे पहले आ गई अपने प्यारे से छत सुबह सुबह की मस्त वाली ताजी हवा खाने और बिल्कुल फ्रेश होने के लिए। एंड यहाँ से देखो भैया, चारों तरफ का कितना प्यारा सा सुंदर सा व्यू आता है ना। ये है एलोवेरा, उधर टमाटर एंड तुलसी के छोटू छोटू से पौधे जो कि छत के इस साइड में मम्मी ने लगाए हैं, और इधर काले कौवे महाराज के भी दर्शन कर लो। चंदा मामा की तरह गोल गोल घूम कर तो चक्कर ही आ गए। उधर हमारे प्यारे से सूरज दादा भी उग गए, लेकिन ना इधर बिन बुलाए मेहमान यानी यार मेरे पीरियड्स आ गए। गई भैंस पानी में, इतनी अच्छी सुबह की शुरुआत हुई लेकिन हो गया ना स्यापा। चलो फिर देखते हैं कैसा होता है मेरा आज का सिंपल सा पीरियड्स मॉर्निंग रूटीन एज अ विलेज गर्ल। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा न्यू रूम, जिसमें भैया आई नो कि फिलहाल तो बहुत सारा सामान ठूस ठूस कर भरा हुआ है। क्या करे यार, उधर हमारा पूरा घर टूट गया है ना, और हमारे नए घर का काम चल ही रहा है, इसलिए फिलहाल तो हम इसी रूम में सारा सामान सेट करके एडजस्ट करके किसी तरह रह रहे हैं। इधर मेरी छोटू की बहना नैना, भले ही 7 बज गए लेकिन इसके खर्राटे तो अभी तक चल रहे हैं। इससे पहले कि मम्मी आकर मार मार कर मेरी चटनी बना दे, अपना बोरिया बिस्तर जो बैड है उसे अच्छे से सेट कर लेते हैं। भगवान
जरूरी है। इससे एक तो हमारा माइंड एंड बॉडी दोनों ही बिल्कुल फ्रेश एंड एक्टिव हो जाता है एंड साथ ही हमें पीरियड्स पेन क्रैम्प से भी बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलती है। सो कम से कम 10 से 15 मिनट योगा मेडिटेशन एंड थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर करना। और हाँ, ज्यादा भारी भरकम एंड हैवी एक्सरसाइज भी नहीं बल्कि छोटू छोटू से हल्के एंड सिंपल एक्सरसाइज। होता है इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं बट सबसे बड़ा मेन रीजन होता है गलत सैनिटरी पैड्स यूज करना जिसके चलते ना अक्सर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंटीमेट इचिंग और ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। बट डोंट वरी मेरे पास ना इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। देखो जब भी मेरे घर में ना किसी को भी बॉडी में ये इचिंग खुजली वगैरह की प्रॉब्लम होती थी ना तो मेरी दादी हमेशा नीम के पत्तों को पीस कर लगा देती थी या फिर काढ़ा बनाकर पिला देती थी। थोड़ा कड़वा जरूर होता था लेकिन सारी प्रॉब्लम छू मंतर हो जाती थी क्योंकि आप सब तो जानते ही हो कि नीम एक प्योर नेचुरल आयुर्वेदिक एंटी बैक्टीरियल प्लांट है। लेकिन अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि इस नीम का यूज हम अपने सैनिटरी पैड्स नैपकिन वगैरह में कैसे कर सकते हैं। अरे यार डोंट वरी क्योंकि हमारे पास है एवरटीन के नीम एंड सेफ फ्लावर सैनिटरी नैपकिन। ये एवरटीन के सैनिटरी पैड्स जो है ना इनमें नीम और सेफ फ्लावर जैसे नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्लांट्स के सारे गुण है जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल रखता है। मैक्सिमम कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करने के साथ साथ ये आपकी इंटीमेट स्किन को रैशेस टैनिंग जैसी प्रॉब्लम से भी बचाता है। साथ ही आपकी स्किन को न सिर्फ विटामिन ई से नरिश करता है बल्कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपकी इंटीमेट स्किन को बिल्कुल फ्रेश एंड हेल्दी रखता है। इनफैक्ट यार जब से मैं यूज कर रही हूँ ना आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। सो मैं तो डेफिनेटली आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप सभी इसे यूज करके जरूर देखो क्योंकि इसमें ना 8 लेयर प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा लार्ज पैड्स एडवांस लेबल लिप प्रोटेक्शन जैसी सारी प्रॉपर्टीज भी हैं विद स्किन फ्रेंडली एंटी रैशेस एंड एंटी टैनिंग। सो देर किस बात की है इनके परचेज लिंक एंड सारी डिटेल्स आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट पिन दोनों में मिल जाएगी। जल्दी जाओ और फटाफट ऑर्डर करो और यूज करने के बाद अपना रिव्यू वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर देना। तो ये देखो भैया जल्दी जल्दी हमारी प्यारी सी धन्नो भाई ने इस आफत की पुड़िया को रेडी कर दिया स्कूल जाने के लिए। मैं आफत की पुड़िया नहीं हूँ। तो कहा है भैया शरारती बंदर घर का छुचुंदर। नहीं तुम आफत की पुड़िया। अच्छा भाई देखो ना घिस घिस कर धन्नो भाई इसकी थोपड़ी की पोताई कर रही है। गोरा लगना चाहिए ना ये काला डामर। चकली भैया का नया नाम काला डामर कितना अच्छा है ना। नहीं तुम काली कुलकुट्टी कह की। अच्छा भैया काली कुलकुट्टी मेरे को बोलेगा। सजना तो बिल्कुल है भैया लेकिन फिलहाल अभी अपने सजना के लिए नहीं बल्कि अपने लिए सो अच्छे से अपने झाड़ू जैसे बालों को झाड़ कर सेट कर लिया एंड एक्सरसाइज करने के बाद तो हवाई टाइट हो गई। बहुत ही ज्यादा थक गई और ऊपर से पेट में जोरदार चूहे भी कूदने लगे। भूख लग गई तो चलो फिर फटाक से अपने लिए अपना मॉर्निंग एनर्जी ड्रिंक रेडी करते हैं जो कि हमारे जैसे इंडियंस का तो जनरली हॉर्लिक्स ही होता है ना। भैया मेरे को तो हॉर्लिक्स बहुत पसंद है स्पेशली ना सूखी हॉर्लिक्स चाटना आधा से ज्यादा तो चाट कर ही चट कर जाती हूँ। एंड यस मैं ना हॉर्लिक्स दूध में डालकर बिल्कुल भी नहीं पी पाती हूँ यार अजीब सा ही टेस्ट होता है। आई नो कि ये ज्यादा हेल्दी होता है लेकिन ना गर्म पानी में डालकर ही मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले गर्म पानी लिया उसमें 2 चम्मच हॉर्लिक्स एंड थोड़ी सी शक्कर चीनी मिक्स कर दिया ज्यादा नहीं वरना डायबिटीज ही हो जाएगी और बस हमारा मॉर्निंग एनर्जी ड्रिंक बिल्कुल बनके रेडी है। हमें अपने पीरियड्स के टाइम में जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें जैसे कि ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मल्टीग्रेन दलिया वगैरह ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें ही खानी
पीनी चाहिए। दो बाइक है मेरा। अच्छा दो दो बाइक है, ये किसका बाइक है टकलू? मेरा। अच्छा कब ले पकड़ो? क्या करूँ भाई इसका? गाड़ी साफ करने के लिए काम चो, आऊंगा तो चलाऊंगा। अच्छा भैया मैं तेरी गाड़ी साफ करने वाली लगती हूँ क्या? कोला धोता है, कोला कोला धोता है। स्कूल के लिए लेट हो रहा, चलो पेट पूजा करेगा चलो। इसके बाद इधर मैं अपने प्यारे से किचन में आ गई सुबह सुबह का नाश्ता यानी यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। एंड आज नाश्ते में बनने वाले हैं टेस्टी एंड यम्मी यम्मी घंघरा की घुगनी। अब भैया ये घंघरा क्या बना है यही सोच रहे हो ना? तो जैसे चना मटर मकई यानी कॉर्न छोले होते हैं ना, वैसे ये घंघरा है। किसने किसने खाया है जरूर बताना। सो इसी की सब्जी यानी घुगनी बनने वाली है, वो भी बिल्कुल गाँव के देसी विलेज स्टाइल में। एंड अगर आप सबके घर में भी ये घंघरा अवेलेबल है ना, तो इसकी ये रेसिपी डेफिनेटली ट्राई करना। बहुत ही इजिली फटाफट बन जाता है एंड काफी ज्यादा यमी भी लगता है। सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल डाला, फिर इसके गर्म होने पर एक दो हरी मिर्ची और ढेर सारे ऑनियंस यानी प्याज। अच्छे से हल्का ब्राउन फ्राई करने के बाद इसमें पानी में भीगे हुए घंघरा डाला और हल्दी एंड स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से भुना। फिर हल्का पानी वाटर डालकर पकने के लिए छोड़ दिया। जब अच्छे से ये गल गया, बॉईल हो गया, तब टमाटर अदरक लहसुन प्याज काली मिर्च जीरा और गरम मसाला सबका पेस्ट रेडी करके सारे मसाले डालकर मसालों को पकने तक अच्छे से भुना, जब तक कि मसाले तेल ना छोड़ दे। उस हिसाब से पानी डालकर और थोड़ा बॉईल होने के बाद टकले भैया की बिना मिर्च वाली निकालकर थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और हल्का चाट मसाला डालकर अच्छे से मिक्स करके थोड़ा बॉईल कर लिया। और ये लो यमी यमी टेस्टी बिल्कुल गांव के देसी विलेज स्टाइल में बने हुए मसालेदार घंघरा की घुगनी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी, जिसे आप रोटी पराठे या फिर मुरमुरे के साथ मजे से खा सकते हो। सबसे पहले इस आफत की पुड़िया को स्कूल छोड़ के आते हैं। दीदी लग जाएगी। हाँ सारे स्कूल जाएंगे, तुम्हारी तरह रहेंगे क्या? मैं भी तो जाना। अच्छा भैया, अच्छा से पेट पूजा किया कि नहीं? चूस चूस कर। हाँ। और टिफिन लिया कि नहीं? लंच बॉक्स मैं लिया, पहुँचा देना। अच्छा पहुँचाना पड़ेगा लंच बॉक्स, अभी ले लेता तो क्या हो जाता? नहीं पहुँचा देना। नहीं पहुँचाऊंगी, तुमको आज भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं बाबू पहुँचा दूंगी पहुँचा दूंगी, कल स्कूल नहीं गया था ना, आज पिटाई होगी टकलू भैया की? नहीं होगी भाई, इस टकलू भैया को तंग करने में मुझे बहुत मजा आता है। क्यों कहती हो? हाँ तुम भी तो तंग करते रहता है मेरे को। ये देखो भैया टकलू भैया का स्कूल भी आ गया, आप जाएंगे टकलू? चलो चल जाओ, यहीं से दौड़ कर चल जाओ, जाओ। अच्छा भैया छोटा बच्चा है क्या टकलू? हाँ छोटा बच्चा है तो। और इधर देखो सुबह सुबह ही टीवी चालू हो गया और मेरी ये छोटू की बहन नैना कार्टून देखने लगी। सो कुछ ऐसा